और खबर ये कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जेर सदारत आला सतह का इजलास खत्म हो गया है और इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने गुफ्तगू भी की है। उनका क्या कहना था संजय सादवानी से जानते हैं, बताइए संजय। बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत पीपल्स पार्टी का आला सतह इजलास हुआ है। इस इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये कहा गया है, अपने अरकान को ये बताया गया है कि हम ऐसी कोई तरमीम नहीं लाना चाहते जिसमें किसी को लोटा बनाना हो। हम इस तरामीम हमने इसीलिए ही ये तरामीम पब्लिक किए और इस सारे मामले पर तमाम जमायतों को एतबाद में ले रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने सीनियर रहनुमाओं से गुफ्तगू में ये भी कहा है कि मैं मौलाना फजल रहमान से दोबारा मुलाकात करूंगा। मौलाना साहब मुझे यकीन है कि हमारी तजावीज पर राजी हो जाएंगे, मौलाना साहब मान जाएंगे। पीपल्स पार्टी का अपने तमाम अराकीन कौमी असेंबली वो सेनेट के अराकीन को ये कहा गया है कि हम पीपल्स पार्टी का आईनी तरामीम पर इत्तफाक है और आईनी तरामीम को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया जाए। पीपल्स पार्टी का पार्लियामानी पार्टी इजलास भी बुलाने का फैसला है जिसमें तमाम अराकीन को आयजा की हिदायत दी जाएगी। बहुत शुक्रिया संजय साधवानी।